तो इससे पहले कि अपनों राजस्थान में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएं, सबसे पहले आप देखिए वो खबर जिसने राजस्थान के अपराधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब गुंडा राज नहीं चलेगा। कह देना मेरा नाम लेके, दुनिया का फोन आया था गोली चलानी, अब मेरे को कह देना मेरा नाम लेके। तो बीकानेर के रानी बाजार के बांद्राबास स्थित एक घर को आग लगाने की कोशिश और जान से मारने के लिए फायरिंग मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कोटगेट थाने के सीआई धर्म पुनिया का बताया जा रहा है। हालांकि जी राजस्थान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले 23 अगस्त को रात 2:40 पर इस्लाम भाटी के घर आगजनी और फायरिंग किया गया था। वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसकी एफआईआर ना लिखने के लिए हिस्ट्री शीटर ने पुलिस को धमकी दी थी और यही धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ इस ऑडियो टेप में सुनाई दे रहा, आप एक बार खुद सुनिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? धर्मपुनिया सीआई बोल रहा हूँ। सर सर, आपने मेरे थानेदार को फोन क्यों किया? सर मैं अभी क्या धमका रहे हो क्या? मैं गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को धमका रहे हो क्या आप? सर मैं कहाँ धमका रहा हूँ? आप ही जियोगे क्या इस शहर में? सर मैं कहाँ धमका रहा हूँ? नहीं तो आपने कैसे फोन कर दिया कि झूठा मुकदमा मत कर लेना, ये मत कर लेना, क्या कर रहे हो आप? फोन करते हो आके? सर मैं उनको कह रहा हूँ सुन ले मेरी बात। सर, मैं कह रहा हूँ धर्मपुनिया सीआई बोल रहा हूँ, कोटगेट थाने के फोन से बोल रहा हूँ। दूसरी बार उस गरीब के घर पे फायरिंग की है तूने। सर फायर करना मेरे को भी आता है। नहीं, जांच जांच करे तो लाके पेश कर दो, लाओ पेश करो, हम जांच कर लेंगे। भागते क्यों फिर रहे हो? आज तक मचाना बंद कर दो शहर में, तुम नहीं जियोगे। ठीक है ना, क्यों उस गरीब से तुम्हारी क्या दुश्मनी है बता दो? सर कोई दुश्मनी नहीं। नहीं क्यों करते हो उसके घर पे फायरिंग? उसको खुद कर रहा है क्या फायरिंग? तुम्हें चाहिए पैसा, तुम लोगों ने भी और तुम लोगों ने जिसके घर थोड़े से दो पैसे ढंग से कमा रहा है ना, उसे मुफ्त का पैसा चाहिए तुम लोगों को। मेरे इलाके का कोई आदमी तुम्हें पैसा नहीं देगा। सलमान बुट्टे को कह देना मेरा नाम लेके, दुनिया का फोन आया था गोली चलानी, अब मेरे को आती है, मैं बताऊंगा कैसे। तो आपने सुना गोली चलानी अब मुझे आती है, इसका स्पष्ट मतलब था जो ऑडियो ये वायरल हो रहा है उसमें दावा ये किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की तरफ से ये बातें कही गई। और ये तस्वीर इस वक्त हमको हम आपको दिखा रहे हैं और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके पहले का ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते किस तरह से पहले घर में आग लगाने की कोशिश की जाती है। आप देखिए किस तरह से आग लगाने की कोशिश होती है और उसके बाद वहां पर सरेआम फायरिंग की जाती है, दे दनादन वहां पर गोलियां चलाकर और बड़े ही बेखौफ अंदाज में ये अपराधी वहां से फरार होता हुआ भी आपको नजर आएगा। ये पूरा मामला जो है अब एक बार फिर से इस ऑडियो के वायरल होने के बाद चर्चा में आया हुआ है।